अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बंगाली अमित। मैंने पहले एक वीडियो डाला था कि अमाल खैर के लिए यानी कि अच्छा अमाल करने के लिए कलम तैयार करने का, उसका स्याही बनाने का भी तरीका मैं बताई थी, और कलम पे पढ़ के उसको इस्तेमाल करने का उसका भी तरीका बताया थी। ठीक है, अभी जो मैं वीडियो दे रही है इसके अंदर, इस अमल के अंदर आप शर के अमाल के लिए कलम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे अमलियात के लिए यानी कि मोहब्बत है और रोजगार है, शिफा का नक्श वगैरह लिखती है, शिफा का अमल लिखती है, जादू का या आसिफ का उसका लिखती है, तो ये अच्छे अमल के अंदर सारा आ जाती है। इसका कलम आप अलग तैयार करके रखो, और जितना भी तलाक का है, बंदिश का है, जबान बंदी का, दावत का, इसके लिए अलग। ठीक है, अभी जो मैं आपको दे रही, इससे आप जो है शर का अमल यानी कि जो दूसरे अमलियात होते हैं, किसी के ऊपर बंदिश लगाना है, किसी का तलाक का अमल लिखना है, ठीक है, किसी का जबान बंदी का काम करना है, लड़ाई झगड़ा का काम करना, इस तरह के काम के लिए ये कलम तैयार करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। ठीक है, किसी भी दिन आप इस अमल को कर सकती है। ठीक है, आपने सिर्फ मार्केट से एक नया पेन ले लेनी है। ठीक है, अच्छा पेन आप इंक पेन भी ले सकती है, पॉइंटर भी ले सकती है, बॉल पेन भी ले सकती है, और जो लकड़ी का जो कलम आती है वो भी आप ले सकती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग लकड़ी के कलम से भी जो लिखती है। ठीक है, अगर आप इस काम के लिए लकड़ी का कलम आप यूज करना चाहती है तो कीकर का लकड़ी आप ले लो, उसका आप कलम बना लेना। ठीक है, कीकर का लकड़ी, वैसे तो वो जो आती है ना, क्या कहती है उसको, जो मार्केट में जो बनी बनाई आती है वो भी ले सकती है, लेकिन अगर शर के अमल के लिए आपको स्पेसिफिक कुछ चाहिए तो फिर आप कीकर के लकड़ी का कलम बना लेना या बनवा लेना, तो आप वो भी यूज कर सकती है। और बॉल पेन आप यूज करेगी तो बॉल पेन कुछ दिन के बाद उसका इंक खत्म हो जाएगी, तो कोई भी ऐसा पेन लेकर के आप अपना जो है तैयार करना इसको, कि जिसकी जो है आप जिसको आप रिफिल कर सको बार बार। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप इंक पेन यूज करो, इंक पेन जो है वो खराब नहीं होती, उसका ज्यादा ज्यादा क्या है, उसका निब खराब हो जाएगी तो निब चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये आप कर लेना। जो तरकीब है बनाने का वो मैं आपको इसका मैं बता देती हूँ तरीका। आपने कलम ले लेना है, कभी भी आप लेकर के आ जाओ, पेन वगैरह जो भी है जो आप इस्तेमाल करना चाहती है, और इस अमल को आप किसी भी दिन, किसी भी वक्त और किसी भी साथ में कर सकती है। और अगर आप बेहतर चाहती है तो फिर जो है जो माजरत जहल यानी कि हफ्ता का दिन जहल के साथ और मंगल का दिन मिरिख के साथ, ठीक है, इस साथ के अंदर आप इसको तैयार कर लेना, और जवाले माह में कर लेना अगर आप अच्छा करना चाहती है। वैसे कभी भी कर सकती है, दोनों ऑप्शन में आपको दे, ताकि आप लोग सवाल ना करें। क्लियर हो गया? अगर आप अच्छा साथ चाहती है यानी कि अच्छा चले, तो फिर आप जवाले माह यानी कि चांद की 15 तारीख से 30 तारीख के दरमियान किसी भी हफ्ता या मंगल का दिन जोहल या मरीख के साथ के अंदर आप इसको तैयार कर लेना। आप तैयार करने का तरीका बता रही है, किबला की तरफ मुंह करके बैठ जाओ, जिस्म कपड़ा आपका पाक साफ हो, वजू करके आपने इस अमल को शुरू कर लिया। ठीक है, बिस्मिल्ला नहीं पढ़नी, ठीक है, बिस्मिल्ला नहीं पढ़नी। सबसे पहले आपको सूरह जिलजाल एक मरतबा पढ़नी है, बिस्मिल्ला नहीं पढ़नी, सूरह जिलजाल एक मरतबा पढ़ के आपने पेन के ऊपर जो भी है उसके ऊपर आपने फूंक मार देना है। उसके बाद सूरह फील एक मरतबा पढ़नी है, इसमें भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी और पेन के ऊपर फूंक मार देनी है, एक मरतबा पढ़नी है भी। इसके बाद सूरह तबत यदा, ठीक है, सूरह तबत यदा एक बार पढ़ के फिर आपने पेन के ऊपर फूंक मार देनी है। ठीक है, ये तीनों जो सूरह है एक एक बार पढ़नी है, और बिस्मिल्ला किसी में भी नहीं पढ़नी। ये एक स्टेप हो गए। सेकंड स्टेप में ये जो अस्मा आपको दिख रही है, ये अस्मा पढ़ के आपने फूंक मार देनी है। एक अस्मा को 3 मरतबा पढ़ी जाएगी, ठीक है, एक अस्मा को 3 मरतबा पढ़नी है, और जब ये पूरी अजीमत हो जाए तो पढ़ के आपको फूंक मार देनी है। जैसे मैं अजीमत पढ़ ली, बिल्कुल इस तरीके से आप इसको एक बार पढ़ना और फूंक मार देना। मैं अब आपको पढ़ के सुना रही है। बिस्मिल्ला कहीं नहीं पढ़नी, दुरूद शरीफ भी कहीं नहीं पढ़नी, ठीक है, शुरू से लेकर के अब तक आखिर तक अमल में कहीं भी नहीं पढ़ना। अब जैसे इस अजीमत को पहले आपने सूरह ज़लज़ल एक मरतबा पढ़ के फूंक मार दी, सूरह फील एक मरतबा पढ़ के फूंक मार दी, सूरह तबत्तेदा एक मरतबा पढ़ के फूंक मार दी, उसके बाद ये अजीमत बिल्कुल ऐसी पढ़ना जैसे मैं पढ़ रही है, और उसके बाद आपने पेन के ऊपर फूंक मार देनी है। ठीक है, अजीमत यह है, आबी रोशिन, आबी रोशिन, आबी रोशिन, 3 मरतबा पढ़िए, 3 ही मरतबा पढ़नी है। ठीक है, फिर बता रही है, जैसे मैं पढ़ लिया बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ना है आपको पूरा, और फूंक मार देना है। दोबारा मैं पढ़ लिया आपको, ठीक है, आबी रोशिन, आबी रोशिन, आबी रोशिन,
जलमोशिन जलमोशिन जलमोशिन, यलमोशिन यलमोशिन यलमोशिन, रोशिन रोशिन रोशिन, वरदाशिन वरदाशिन वरदाशिन, तहलुशिन तहलुशिन तहलुशिन, तवक्कलु यकुद्दामु हाजहिल अस्माई, बी हिफ्जी आमाली मिन सआएरी अल ऐवान अल मुफसदीना लिल आमाली। ये पूरी अजीमत हो गई है, इसको पढ़ के आपने उस पेन के ऊपर फूंक मार देनी है। ये आपका पेन तैयार हो गई, अब आप इससे अपना शेर का अमल लिख सकती है। ठीक है, अमल की इजाजत का तरीका आसान है, जैसे हमेशा होती है, 3 बार दुरूद शरीफ, 1 बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इख़लास पढ़ के सरकार को, तमाम अनबिया को, तमाम सहाबा को, तमाम औलिया, तमाम जिन्नात मखलूक और जितने भी लोग इस दुनिया से चली गई, उन सबको आप इसका सवाब हदिया कर दीजिए। आप सबको अमल करने का इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम।